ये तो निकले पहले। आप स्वागत है, मैं हूं सबकी जो हिमाशी और हम आज जा रहे हैं यमुनोत्री फाइनली। वैसे तो मैं बीच में आ गई हूँ, ये प्लान मम्मी पापा का था और विनी की पूरी फैमिली जा रही है, मतलब विनी की फैमिली जा रही थी, उन्होंने मम्मी पापा से पूछा तो मम्मी पापा जा रहे थे, तो फिर मेरा ऑल ऑफ दिस सडन मतलब रात में हुआ कि हाँ मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मैंने जब बात बात की काम वाम से रिलेटेड सब कुछ देखा तब मुझे हुआ कि हाँ जा सकती हूँ। तो भाई घर पे और हम लोग जा रहे हैं यमुनोत्री पहले तो, और फिर शायद हो पाएगा तो हम यमुनोत्री से गंगोत्री भी जाएंगे। कल मैंने पूरा दिन लग के किया था शूट, बहुत सारा मैंने शूट निपटाया कल, और फिर रात में लेट नाइट हम पार्टी में गए, लेट नाइट हम पार्टी से आए, फिर पूरी रात मैंने पैकिंग की क्योंकि विंटर्स की पैकिंग करनी, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या सामान पड़ा हुआ था। ओ गॉड, सुबह 6 बजे तक पैकिंग की, फिर 6 से 8 सोई हूँ, 8 बजे उठी हूँ, नहाई हूँ, रेडी हुई हूँ, और फिर भी लेट हो गया है, 10 बजे अब हम लोग निकल रहे हैं। हमारी तरह से मैं पापा और मम्मी अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, और विनी के यहाँ से 3 गाड़ियाँ जा रही हैं, तो उसकी पूरी फैमिली थोड़ी बड़ी है, तो हम सारे फाइनली इतने टाइम बाद फैमिली ट्रिप पर, लेकिन हम नितिन को मिस करेंगे वो नहीं होगा, और मैं सोचूंगी मैं कैमरामैन किसको बनाऊंगी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, और मैं कोई कैमरा भी लेके नहीं जा रही क्योंकि मेरा कैमरामैन ही मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तो मैं खुद से ऐसे फ़ोन से ब्लॉग करूँगी या जिसको भी हुआ उसको मैं फ़ोन पकड़ा दूँगी। तो अभी तो मैंने आपको थोड़ी डिटेल्स दे दी है कि इस व्लॉग में क्या होने वाला है, बाकी हम चलते हैं जल्दी जल्दी। गाइज हम लोग तो बैठ गए हैं कार में और चलते हैं मम्मी पापा, अब हम विनी के घर जा रहे हैं, और मुझे ना रेबीज का इंजेक्शन भी लगवाना है, सेकेंड वाला, तो हम वो लगाएंगे, चलते हैं। ये लोग इतना टाइम लगा रहे हैं, ए कौन हो तुम जिसके साथ हमेशा चूहे ले जाते रहते हैं, ये करो। शादी वाला घर जा रहा है क्या? ओ भाई, गाड़ी नंबर 1 2 3 4 गए हमें खाने के लिए, चढ़ाइयो मत गाड़ी में प्लीज, ठीक है? ठीक है भाई, भी हमारे कार में लोग बढ़ने बाकी हैं, ये ले रहे हैं अपनी सरदर्द की दवाई, पीछे ये लोग बहुत आ रहे हैं। अभी खरीदे शानू, कितनी हाजमोला खाली और कितनी बार और कितनी बार कितनी बार लोड, अच्छा लोड हुआ है अभी। मेरा दम बिरयानी का पैकेट, ये अबे चार्ज खुल गया, चार्ज खुल गया, मोटे ने खोला दम बिरयानी। गाइस मैं खाने वाली हूँ दम बिरयानी, आपको भी ना तो आप लेके आओ, ये 5 रुपए का था पैकेट, हाँ। मैं सोचा 10 का होगा, चलो खा के देखते हैं यार, इसमें तो चावल, इसमें तो पूरा पुलाव बना हुआ है बे, देख एक कचरी होगा लेकिन ये अंदर अबे हवा है 5 रुपए में, क्या इसके अंदर दिखाओ मुझे, मुझे पता था इसके अंदर ये सस्ता सोया होगा। ये करी है कदर कुत्तों की, नीचे पड़े हैं। गाइस अब हम कुछ फ्रूट खाने रुके हैं और मैं ये गंदा सा ये खा रही हूँ, भूख लग रही है, 2:30 बज चुके हैं, पता नहीं आधे घर वाले कहाँ हैं, 3 गाड़ियाँ हैं, चौथी तो विनी तो बहुत ही पीछे लेट आ रही है। गाइज ये आ गए हैं मेरे एप्पल, मैं ये खाऊंगी, विनी अभी पहुंची है आप समझो हर की पौड़ी तक, और हम लोग काफी आगे तक आ चुके हैं, मम्मी पापा अलग कार में हैं, अलग ही चल रहा है यहाँ पे सब कुछ। चलो गाइज टाइम हो रहा है 4:04 बज गए हैं, और अभी यहाँ से 140 किलोमीटर दूर है यमुनोत्री, खाना भी नहीं खाया है, और हम लोग सबसे आगे हैं, सारी गाड़ियाँ पीछे हैं, वो धीरे धीरे आ रही है, तो हम एक स्पॉट पे रुके हैं। क्या सुंदर जगह है ये, मैं आपको दिखाती हूँ, ये पुल था और हमने कार पार्क किया उधर, और देखो ज़रा यहाँ पे झरना वरना बह रहा है, और ये लोग भाग भाग के नीचे चले गए कि यहीं बैठ के हम
लंच करेंगे। मेरी गाड़ी में सारे लौंडे, ये इतनी जल्दी नीचे भाग गए, मैं अकेली ऊपर खड़ी हूँ। ये एक ड्रॉबैक होता है, एक लड़की साथ में हो ना तो हम दो साथ ही होंगे, धीरे धीरे नीचे जाएंगे। लेकिन एनीवेज अब मैं जा रही हूँ नीचे। पूरा गीला कर दिया इस लंगूर आदमी ने, इसने इतना बड़ा पत्थर यहाँ फेंका, मैं खड़ी थी, मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ सी, और ये मेरी पूरा गीला कर दिया। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। अब हम यहाँ रुके हैं कुछ खाने के लिए, बाकी दो टीम तो आई नहीं है, बस इतने ही राजमा चावल बचे थे, ओ छोले चावल, और यही आए हैं। कैसा है शानू? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैंने स्पॉट की है सोन पापड़ी, मैं सोन पापड़ी लूंगी और कढ़ी चावल खाऊंगी, और फिर मुझे एक जग पानी लेना है और इस पे डालना है। तब तक मेरे दिल की गर्मी गुस्सा शांत नहीं होगा कि मेरी पूरी जीन्स गिल्ली हो रखी है अभी तक। पहाड़ों की कढ़ी चावल लाओ, कोकोनट कुकीज है गाइस। छोटा भी स्पॉटेड, छोटा भी कृष्णा, छोटा भी नचाए सामने कोई टिक ना पाए, छोटा भी, छोटा भी। हमारी बाकी गाड़ियाँ पीछे हैं और हम अब साथ में जाएंगे फाइनली। इतनी देर से तो हम अलग अलग ट्रेवल कर रहे थे, अभी बहुत दूर जाना है यार। ये पीछे दोनों हमारी गाड़ियाँ, और मैं खाने वाली हूँ 100 किलो धूल, उससे पहले मैं अंदर चली जाती हूँ। के लोगों की कार में बैठ के यही होता है, इनको हर एक स्पॉट पे रुकना होता है, और बहुत धीरे चला रहे हैं पहाड़ों में आके। और प्लेन रोड में तो हम ऐसे ऐसे आगे आ गए थे, और अब पापा आगे जा चुके हैं, मासी की कार पीछे है, अब हम बीच में नज़ारे देखने रुके हैं। और इतना लेट हो गया है, शाम होने लगे, हमें नहीं पता कैसे हमें होटल मिलेगा, क्या होगा। और विनी तो भाई अभी देहरादून ही पहुंचे, उसका तो अलग ही चल रहा है गाइस, पता नहीं कब आएगी। हमें मिला एक बहुत सुंदर झरना, तो हम आए उस झरने पे। अब मैंने अपने जूते उतार दिए, नंगे पैर जाती हूँ झंडे पे। मेरा पूरा परिवार पहले ही एंजॉय कर रहा है इस झंडे को, देखो सारे के सारे इस झरने को एंजॉय कर रहे हैं। अब मेरी बारी है, नंगे पैर जाऊंगी, जीन्स पूरी खुद गीली कर दी है। बहुत ही बड़ा गाड़ी फंस गया है आगे, तो जाम लग गया है, बस इतना ही काफी है। बहुत ही बड़ा गाड़ी, तुम कहाँ आगे बढ़ रहे हो? ई था बड़ा बड़ा गाड़ी, जिसकी वजह से लगा था जाम। बाबा बड़ा गाड़ी। गाइस मेरी हो गई है बुरी हालत, भर भर के वॉमिटिंग। हम लोग सबसे आगे हैं, और भी हम कहीं रुके हैं, अब घर वाले आ रहे हैं, विनी ने भी ज्वाइन कर लिया, विनी की कार भी आ गए, उनका वेट कर रहे हैं, हम सारे साथ चलते हैं अब। और हम बहुत दूर हैं और पूरा अंधेरा हो चुका है आपको दिखे तो, और हम शायद बीच में कहीं रुके या फिर हम आगे जाते हैं, आपको अपडेट देते हैं। सारी गाड़ियाँ 1 2 3, अब हम डिनर के लिए रुकेंगे कहीं, यहाँ पे अपने लिए कुछ खाना बनवा रहे हैं क्योंकि हम 20 लोग हैं। इन्होंने कहा आधा घंटा लगेगा, आप जो बोलोगे हम वो बना के दे देंगे। हाँ भाई क्या डिसाइड किया? 20 लोगों में 2 दाल फ्राई, अरे तो 3-4 चीजें रख करेंगे ना। अच्छा हो गया हमारा, 5 दाल, 3 कढ़ाई पनीर, 2 मिक्स वेज, 4 क्या है ये, 4 प्लेट चावल। गांव वालों, ओ गांव वालों, एक अपडेट है, हम लोगों को यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि पुलिस आगे जाने नहीं दे रही है। यस वो वापस आ रहे हैं, और हमें इन्हीं में होटल में से कोई होटल देखना पड़ेगा आज के लिए। वही हमें रूम्स चाहिए थे, हम लोग 20 लोग हैं और 10 तो रूम्स चाहिए होंगे हमें, तो 6 बजे चेक आउट कर लेंगे, तो उस हिसाब से पैसा बताना। आप तो अपने घर के बंदे हो, आपके लिए सारे रूम फ्री। वाह उदय मजा आ गया, चलो चाबियां दो। आप यहाँ पे सीसीटीवी देख ले, मैं यही पढ़ने वाली थी, ये कहाँ लिखा है ये भाई, कोई डर शर्म हया नहीं है क्या?
भाई जंगलगी में चाबियां बाबा आलम के जमाने की तो आपकी चाबियां है, हम अगर गेट के अंदर हम मोटर बंद हो गए तो आप जिम्मेदारी ले रहे हो ये बताओ। इतने टाइम से कोई आया नहीं ना, किसी ने खोले नहीं। खाना तो हो गया, चलो गाइस हम रूम देखने चलते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये वॉशरूम है। ये कौन सा है? हमारा ही है वो बगल वाला भी। अच्छा एक, ओके वन टू थ्री फोर फाइव, ये वॉशरूम। ओके गाइस हमने लगेज निकाल लिया है, अब हम जा रहे हैं अपने बेड पे। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह हम 5:20 पे उठ गए थे और हमने फटाफट रेडी हुए और यहाँ पे मैंने सोचा था ठंड होगी लेकिन इतनी ठंड नहीं है, तो मैंने टॉप और जीन्स पहना है। मैं लाई थी ट्रैकिंग पैंट्स वॉर्म वाली और बहुत अच्छे से लुक बना के आई थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा यहाँ इतनी ठंड है बिल्कुल भी, अभी तो फील नहीं हो रही है। अभी हम हैवी वर्कआउट में, अब हम जा रहे हैं यमुनोत्री, फिर हम वहाँ से करेंगे ट्रैक शुरू। 5 किलोमीटर का ट्रैक है तो चलो चलते हैं। पापा की हुई है कार खराब, शिट यार पता नहीं क्या हुआ है, इस गाड़ी हो गई है गरम। मैं तो पापा को ऑफर दे रही हूँ, पापा न्यू क्रेटा ले लो। पापा ऑफर दे रही हूँ आपको, दिवाली पे न्यू क्रेटा ले लो। सनरूफ वाली चाहिए, सनरूफ वाली, सनरूफ से बाहर निकलेंगे। यहाँ लोग खा रहे हैं, वहाँ लोग हग रहे हैं। मैं जा रही हूँ सुसु करने पहाड़ पे। ओह गॉड, लोग भी क्या ही सोचे होंगे, व्लॉग में तो अलग ही गरिमा देखने को मिल रही है। यहाँ से हमें पैदल जाना है, अभी हमें कार पार्क करनी पड़ेगी। कितना टाइम हो रहा है? ओह मुझे लग रहा 11-12 बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे। हाँ 10:47। चढ़ाई चढ़ने के लिए रेडी हो? और इन लोगों को राजमा चावल चाहिए, दोनों भाइयों को जो मिल ही नहीं रहे हैं। यहाँ की हल्की हल्की ठंड लग रही है, मैंने जीन्स पहनी है तो मैं सोचू मैं अपना वही जो लुक सोच के आई थी वो मैं चेंज कर लेती हूँ। ऐसा इस लड़के का कहना है कि ठंड लगेगी, और हवा तो चल भी रही है यार अभी, और जैसे जैसे शाम होगी ठंड लगेगी। ऊपर रास्ते में हमें धूप मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी, बढ़िया धूप। क्या करूँ? कुछ मत करो तुम, लोअर पहन लेती हूँ ना। अरे इसके नीचे शॉर्ट्स पहने हुए मैंने, मैं तो आराम से कार में ही चेंज कर लूंगी। कर लो। चेंज ही नहीं किया मैंने, धूप निकल रही है तो गर्मी लग रही है, ऐसे ही जा रही हूँ। हाँ कुछ खाएंगे फिर हम करेंगे चढ़ाई स्टार्ट। ये सामने रेस्टोरेंट है, पहले यहाँ पूछ के आते हैं। क्यों ट्राई करोगे आप मिक्स वेज? अभी सब्जी बनी हुई क्या है आपके पास? बना करते हैं सब, एंजॉय से आ रहे हैं। अच्छा तो कितना टाइम लगेगा? आलू की सब्जी बना दो। हां आलू को बनता है 5 मिनट हो गए। ठीक है आलू पराठे भी लगवा लेते हैं। एक काम करो आलू पराठे भी लगा दो। आपके साथ कोई हेल्पर नहीं है क्या? हाँ तो लगवा दो। ठीक है सोच रहे आलू पराठे खाए जाए, दाल चावल खाए जाए, चाय पी जाए और फिर चढ़ा जाए, ट्रैक किया जाए और डंडा लेना है, बहुत जरूरी डंडा। दाल चावल विद अचार एंड सैलेड, ये हमने दो ही थाली मंगाई है। आलू पराठा, मुझे नहीं समझ आया इन्होंने आलू पराठे के साथ भी दाल क्यों दे दी। ट्राई मेरा सुतड़ परिवार पूरा, इतना धीरे धीरे तो खाए जा रहे जन्मों जन्मों के भूखे। इतना खा के तुम लोग चलोगे कैसे ऊपर? इन्होंने बोला है 2 बजे के बाद यहाँ पे भालकी वुल्की
कि बारिश रोज हो रही है तो रेनकोट ले लेना। बारिश से बचने का एक लास्ट उपाय हमारे पास यही था, रेनकोट। लास्ट नहीं, फर्स्ट ही उपाय होता है, फर्स्ट एंड लास्ट। लग रहा है यहाँ पे हर एक सेकंड बस ये लोग निकल रहे हैं। अभी तो भीड़ कम हुई है, लगातार निकल रहे थे कि हमें ही चलने की जगह नहीं है, बस खच्चर और पालकी ही चल रही है। जो यहाँ धार्मिक दृष्टि से नहीं आता है और जो सिर्फ ये सोच के आता है कि घूमने चलते हैं, ट्रैक करेंगे, मजा आएगा, तो यहाँ बिल्कुल नहीं आए। भाई चलने की जगह नहीं है, पहले घोड़ा चलेंगे, फिर खच्चर चलेंगे, और फिर लोग धक्के मार के चलेंगे इस बहन इनका। और फिर कहते हैं कि खच्चर की सवारी मत करो, ये मत करो। भाई चलने की जगह तो दे दो। अभी मैं आपको सीन्स दिखाऊंगी यहाँ कैसे हो रखे हैं, तो आपको समझ आएगा पूरा रास्ता कैसा है और क्या चल रहा है यहाँ पे। मैंने अभी देखा कि मेरे यहाँ पे कीचड़ लगा हुआ है। घी कहाँ से जाए भाई, देखो आप ये रास्ता अपॉइंटमेंट की हद पार कर रखी है भाई, जाने नहीं दे रहे। लिटरली मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं और मासी लिटरली इन पे चिल्ला रहे हैं, साइड हो जाओ भाई, हमें जाने दो, सिर्फ खच्चर और पालकी चल रही है यहाँ पे। क्या बताऊँ, अब जाके खाली हो रहा है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो फोन निकालने तक का फुर्सत नहीं मिल रही है। आ गई हम लोगों की, और आधे भटूले भटकी लोग भी आ गए। तू किधर, वही लग रही है, नन लग रही है मेरे को, देख तो। ओ जीसस, कुछ लोगों की आदत चली जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत बिल्कुल नहीं जाती। ये अभी भी पुड़िया सूंघते हैं, ये सूंघे जा रही है। बचपन में वो फ्लूट के साथ नहीं आता था। ये पुड़िया सूंघने का क्या है, ये कपूर भर के लाई है इसने, कपूर सांस आएगी इससे। सांस की दिक्कत है, मुझे लोगों को नहीं पता, सांस की बीमारी है मेरे को, ब्रेथलेस होने लग जाता है, मैं छाती पीटने के लिए। अब जाके फील हो रहा है कि ठंड हो रही है, हाथ सुन हो रहे हैं, इसके पैर सुन हो रहे हैं, और इसको बहुत कुछ सुन हो रहा है। हमें इसको हीट देनी पड़ेगी, तब इसको जैकेट पहनेंगे, इसके हाथ रगड़ेंगे। तो बीमार ही लगे, देख तो कुछ सुन आ रहा है, कोई हाथ रगड़ रहा है, तो मैं दोबारा सुन। हम और मैगी खा रहे हैं, हमने चार मैगी बनवाई है। यहाँ ओले पड़ रहे हैं, दिख नहीं रही यार, गेट में नहीं दिख रहे। आप इतनी टेस्टी मैगी बना रहे हो, तो दो मैगी और बना दो। कैसी है मैगी? एक नंबर, मस्त। तेरा तो दूसरा बाउल है? नहीं, मेरा पहला ही है। तेरा पहला है? उधर दूसरा बाउल, पहला अभी दूसरा खाऊंगा। अच्छा दूसरा तो मैं खाऊंगी। एक सिंगल पीस के लिए था। बहुत बारिश हो रही है यार, देखो इतने ओले गिर रहे हैं, यही बैठी हुई थी, यहाँ से आ रहे हैं गिर गिर के। गाइस हम पहुंचे अभी भैरव बाबा मंदिर, अभी 2 घंटा और जाना है हमें, 1 किलोमीटर भी और आगे जाना है। पूरे रास्ते बारिश मिली है, और हाथ देखो, गॉड 1 किलोमीटर। बुरी हालत हो गई है चल चल के, शाम हो गई है, अब 500 मीटर दूर बचा है, अब रुकी है बारिश आके, अब थोड़ा रास्ता देखिए, किच 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 वाला रास्ता। अब दुनिया नीचे उतर रही है, हम ऊपर जा रहे हैं। मम्मी पापा बहुत पहले आके पूरा पूजा दर्शन कर चुके हैं और नहा भी चुके हैं। गाइस इतनी भसड़ में रेडी हुई हूँ ना, क्या बताऊँ, और मैं कैसे ना के आई, सिर्फ मुझे पता है। सारे तैयार हो गए हैं, बाकियों का तो पता नहीं, मैंने और मासी ने पूरा सूट पहना है, ठीक है,
कोई बिल्कुल फायदा है व्लॉग में तो दिख रहा है ना, हमने मेहनत की है, ढोके लाए हैं सूट। चलो दर्शन करने चलो 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 में डालोगे वे इसको स्किप कर दोगे। हाँ ठीक है। गाइस चेंज कर लिया मैंने क्विकली और अब हम चलते हैं वापस क्योंकि अंधेरा होने लगा है। चलो बाय बाय। अंधेरा कायम रहे दीप्ति, अंधेरा कायम रहे। ऐसा लग रहा है कि मैं पच गोबर पे चढ़ रही हूँ क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उतरने में मजा आ रहा है काफी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मासी गा दो गाना, गा दो हौली हौली साजना। नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे स्टार्ट ही नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है। ओ हो हो ओ हो हो, जरा हौले हौले चलो मोरे साजना। इस लड़की की जैसा जोश मैंने किसी की में देखा ही, नंगा जा रहा है। इसको गर्मी लग रही है, ये नंगा, और इसको देखो जैकेट में ये नंगा जा रहा है। इवन मैंने भी जैकेट वैकेट पहनी है, देखो। आज जो हम खाने आए हैं वहाँ पे ऐसा बुफे लगा है, दाल राइस और एक सब्जी होगी, रोटी होगी, थालियाँ हैं। सारे आ गए हैं मेरे पिंड वाले और हम यहाँ बैठ के खाएंगे। और ये है मेरी मम्मी, सर दर्द हो गया इनके। सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन। खाना 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 खाना, पानी पानी पानी, कोल्ड ड्रिंक ही कोल्ड ड्रिंक। रात को 11:11 पे हम लेने आए थे कोल्ड ड्रिंक और हमें लग रहा था सब कुछ बंद है। हम लोग यहीं से चढ़ के गए थे ऊपर और हमने सामने खाए थे पराठे और यहीं से हमें मिली कोल्ड ड्रिंक। अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल। जब ऊपर के कपाट बंद होते हैं ना तो जो भगवान जी है ना वो यहाँ लाए जाते हैं इस मंदिर में, और ये इसी के सामने हमारा होटल है। और मैं जा रही हूँ सोने, सुबह मिलूँगी।